हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएम वॉइस। मैं बलराम तिवारी। माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने आया हूँ कुछ ऐसे विचारों को लेकर के जिसको जानने के बाद आपके सामने एक नया आईना आएगा जो आपको सच्चाई से रूबरू कराएगा। दोस्तों, हम आप सब एक ईश्वर की संतान हैं। एक सुप्रीम पावर ने हम आप सबको बनाया है, इस धरती पर भेजा है। मेरा सवाल है कि क्या उस बनाने वाले ने हम लोगों के लिए कुछ अलग अलग चीज़ें बनाई? क्या ऐसा किया कि कुछ वर्ग के लिए सूर्य की रोशनी ज़्यादा दी, कुछ वर्ग के लिए अलग दी, कुछ वर्ग के लिए क्वालिटी हवा बहा दी और कुछ वर्ग के लिए अलग हवा बहा दी? मुझे ऐसा नहीं लगता कि बनाने वाले ने किसी भी तरीके की पार्शियलिटी की। इस जहान में, इस दुनिया में हमारे आपके पैदा होने के पहले उन सारी सुविधाओं का यहाँ पर उपलब्धता की ऊपर वाले ने, बनाने वाले ने कहीं से कोई भी छोटी भी कमी नहीं की। तो आज अगर ऊपर वाले ने कोई कमी नहीं की, उसने सबको सब बराबर बनाया, फिर भी पर आज हम जो इक्वालिटी में न जीकर इनइक्वालिटी में जी रहे हैं, क्यों जी रहे हैं? आज ये असमानता क्यों? एक तरफ देखो तो आदमी आलीशान बंगले में रह रहा है, बहुत उनके पास एक्स्ट्रा चीज़ें पड़ी हुई हैं, जितनी नीड नहीं उससे ज़्यादा भी अबंडेंस में उनके पास चीज़ें पड़ी हुई हैं। दूसरी तरफ लोगों के पास रहने को घर नहीं है, लोग के बच्चे दूध के लिए प्यासे रह जा रहे हैं। अगर आज आप वर्तमान परिस्थितियों पर दृष्टि डालें तो मुझे ये बताने की कतई आवश्यकता नहीं है कि आज हमारे चारों तरफ क्या हो रहा है। कोरोना जैसी महामारी ने जो है पूरे वर्ल्ड का जो है तहस नहस कर दिया। आज इकॉनमी कहां से कहां चली गई, लोगों के पास जॉब्स नहीं रही हैं, लोग परेशानी में हैं। किस तरीके से कौन सर्वाइव कर रहा है वो सर्वाइवल ही जानता है। दोस्तों, मेरा इस समय आपसे बात करने का केवल एक ही मिशन है कि मैं कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने रखूं जो आपके लिए इनलाइटनिंग हो और आपके लाइफ में एक इंकलाब आ जाए और आप कुछ बेहतर कर पाएं। दोस्तों, वर्तमान परिस्थिति में जहां पर आज हम आप परेशानी में हैं, उसके लिए दोषी भी हम ही हैं। ये ज़रूर थोड़ा सा इस आपको हिट करने वाली बात लगेगी, पर इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि इसके दोषी हम ही हैं। इसीलिए किसी ने कहा कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। तो यानी हमारा जो भाग्य, हमारी जो लाइफ बनती है, हमारे कर्मों के द्वारा बनती है। एक्चुअल में आज जो भी हम हैं वो उस मॉडल का रिजल्ट है, उस मशीन का प्रोडक्ट है जो हमारे लिए किसी और ने बनाया। आपने नहीं बनाया, किसी और ने बनाया। आपको जो दिखाया गया, जो मॉडल बना हुआ है, उसी मॉडल को हम फॉलो करते चले जा रहे हैं, इसीलिए आज हम वहीं पर हैं। दोस्तों, ऐसा कहा गया कि अगर आप पिछले 20 साल से वही काम करते आ रहे हैं, जो अगर आप वही काम कर रहे हैं जो पिछले 20 साल से करते आ रहे हैं, तो आपको वही रिजल्ट मिलेगा जो आज आपके पास है। आप पाना कुछ और चाहते हो, पर आप फॉलो किसको कर रहे हो, आप किसकी बातों को सुन रहे हैं? तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा जिसको हमको समझने की ज़रूरत है। वेल, मैं आपका ज़्यादा समय न लेते हुए कुछ आपको सजेशन देना चाहूँगा, कुछ राय आपके सामने रखता हूँ, चारों को रखता हूँ। आशा करता हूँ कि बिल्कुल ही आपके काम आएगा, क्योंकि ये लाखों लोगों की ज़िंदगी को इसने बदला है। पहले चीज़ दोस्त, मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि आज अगर लोग मीडियोकर लाइफ में ही असमानता में जी रहे हैं, तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि लोग बचपन से लेकर काफ़ी लंबे टाइम तक विज्ञान को तो पढ़ते हैं, लेकिन विज्ञान का अपने जीवन में इस्तेमाल नहीं करते हैं। आप अपने आप से सवाल करिए कि आपके हाथ में मोबाइल फ़ोन है, लेकिन क्या आपको इस स्मार्टफोन के फ़ायदे पता हैं? कितने फंक्शंस इसमें हैं? क्या क्या चीज़ इसके द्वारा स्मार्टली कराई जा सकती है? मेरे दोस्त, एक स्मार्टफोन अगर आपके हाथ में, उसमें 150 रुपये का नेट पैक डला करके लाखों नहीं करोड़ों रुपए कमाए जा सकते हैं। हेलो, लाखों नहीं करोड़ों रुपए कमाए जा सकते हैं। बस क्या है कि हम विज्ञान का इस्तेमाल करना नहीं जानते और हमें कोई बताने वाला भी नहीं है। दूसरी तरफ हम सुनने को भी तैयार नहीं है। अगर हमारे सामने कोई नई चीज़ आती है तो हम उसको इग्नोर मारते हैं, जबकि हमें वेलकम करना चाहिए। विज्ञान आओ करके सीखें, यानी जीवन में हमेशा ये करना, कुछ भी आए तो आओ करके सीखें, है क्या इसमें, लेट गो अहेड। क्योंकि बहुत सारी नाकामियों के बाद ही एक बार कामयाबी आपको मिलती है। तो पहली चीज़ दोस्त, हमें जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को सीखना है, हमें डिजिटल होना पड़ेगा। क्योंकि आज देख लो, आपके घर के बाहर लोग निकल नहीं सकते हैं, बाहर आप जा नहीं सकते, पैसा कहाँ से आएगा, राइट? लेकिन अगर आपको कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में पता है कि हाँ, हम ऑनलाइन कर सकते हैं, घर बैठकर कर सकते हैं, तो आप बाहर की विपदाओं से आप बच जाएंगे और आपके अकाउंट में कभी भी पैसे कम नहीं होने वाले हैं। दूसरी चीज़, हम थोड़ा सा उन चीज़ों से काफ़ी बाहर हो चुके हैं जहाँ पर हमें होना चाहिए। अर्थात मैं बात कर रहा हूँ उस विधाता के बारे में कि जिसने हमें बनाया, क्या हम उसके लिए 5 से 10 मिनट का टाइम निकाल सकते हैं या निकाल रहे हैं?
तो उस विश्वास मानिए, यकीन मानिए, जिस ईश्वरीय शक्ति ने वो कोई भी हो सकता है जिसने आपको बनाया है, उस सुप्रीम पावर के लिए तो हमें एटलीस्ट 5 मिनट का टाइम सुबह शाम निकलना चाहिए, क्योंकि जब आप उसके सानिध्य में जाते हो तब आप अपने ट्रू सेल्फ को रियलाइज करते हो, देन आपका ब्रेन जो होता है वो उसकी जो शक्तियाँ हैं वो जागृत होती हैं और आप सही दिशा में सही तरीके से काम कर पाते हैं, क्योंकि बिना उस सुप्रीम पावर के आपका माइंड जो है उधर तरफ जाएगा नहीं, कहीं और होगा, डाइवर्जन जिसको बोलते हैं। तो दोस्तों, विज्ञान का इस्तेमाल जीवन में करना अति आवश्यक है। अगर आप विज्ञान का इस्तेमाल अपने जीवन में करेंगे तो आप अवश्य आगे बढ़ जाएंगे। अगली चीज़ मैं बताना चाहूँगा सर, फाइंड बेस्ट मेंटर। एक अच्छे मेंटर को आप अपने साथी को लीजिए, एक अच्छे साथी को अपने साथ में जोड़िए जो आपसे इंटेलिजेंट हो, जो आपको गाइड कर सके, जो आपको लीड कर सके, जो आपको सही दिशा में पहुंचा सके। ऐसे व्यक्ति के साथ रहिए। कम से कम एक अच्छा मेंटर आपके पास होना चाहिए जो ओपन माइंडेड हो, जिसके अंदर आगे बढ़ने की लगन हो, जो बढ़ रहा हो उसके साथ अपने आप को जोड़िए। देन डेफिनेटली यू विल ग्रो, देयर इज नो डाउट एट ऑल। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये कुछ चीज़ें थी छोटी छोटी जो मैंने सोचा कि आज MM वॉइस के जरिए आप तक पहुंचाऊं। आशा करता हूं चीज़ें आपको बिल्कुल पसंद आई होगी। अगली वॉइस में मिलते हैं, तब तक हेल्पिंग पीपल कम्युनिटी।